एक्शन, ठीक है। तो कासिम भाई आप हमें बताइए कि अब आप सबसे पहले कौन से वर्ड के बारे में हमें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं कॉकटेल के बारे में बताना चाहूँगा। ये अपना एल्बिनो और पियनो का पेयर है। अच्छा, और ये ब्रिडियर पेयर है। इसके दो बच्चे इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर है। इस बॉक्स में इसके दो बच्चे हैं, और एक बच्चा मैंने उसके अंदर इसका ट्रांसफ़र कर दिया था इस पेयर के साथ। ये क्रीम का जो पेयर है, हाँ, ये क्रीम वाले के साथ इसका एक बच्चा मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया था। वो मैं ये बाहर जो बैठी ये फीमेल है। इसका मेल ये सामने बैठा है जो वो ग्रे कलर का, अगर हाँ ये एक बच्चा इसका बाहर आया हुआ है, बॉक्स से बाहर आ चुका है एक बच्चा। ये जो क्रीम का बच्चा बैठा है, ये इसका एक बच्चा है और दो बच्चे इसके अंदर हैं। ये ऐसे फूल के क्यों बैठा है बताइए। ये फूल के कूलर चल रहा है ना, हाँ हाँ, इसकी वजह से ये एक कोने। तो आप ये अभी बाहर आया, कूलर पूरा दिन भर चला के रखते हैं बर्ड्स के लिए? ये अपने पूरे दिन भर रहता है, रात को मैं बंद कर देता हूँ उसको। रात को बंद कर देते हैं तो इससे टेम्परेचर कम हो जाता है? टेम्परेचर कम रहता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये जैसे आपने कॉकटेल बताया, तो इनकी ब्रीडिंग, इनकी एज क्या है पहले आप हमें बताइए। इसकी फीमेल की तो 1.5 साल, हाँ, और इसकी 1 साल। और ये दोनों का मेल है और ये क्रीम की फीमेल है। मतलब इनकी प्रॉपर एज क्या होती है कॉकटेल की, जो ब्रीडिंग करने के लायक हो? देखो वैसे तो 8 महीने से स्टार्ट हो जाते हैं, मेरे पास 8 महीने से ब्रीड करना स्टार्ट हो गई, और बाकी वैसे तो साल भर से इनको पैर लगाना चाहिए, लेकिन मेरे पास अपने आप पैर लग चुका है। तो आपके हिसाब से एक साल के जब इनकी एज हो जाए तब पैर बना के तो अच्छी ब्रीडिंग करें? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ये अपने आप पैर लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको इनके जैसे ग्रुप के अंदर छोड़ देते हैं तो ये पैर लगा लें और ब्रीड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई मसला नहीं आता इसमें, ठीक है। और मैंने ये सुना है जो कॉकटेल होते हैं वो अपनी जो पहली ब्रीड होते हैं वो ख़राब करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, ये तो कई तो ऐसे होते हैं जो पहली ब्रीड ख़राब करते हैं, और कई होते हैं जो बच्चे पाल लेते हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। बाकी ये है कि कुछ मसले आ जाते हैं किसी में तो वो ब्रीड ख़राब करते हैं, बाकी और नहीं करते। तो कॉकटेल का मैंने ये भी सुना है ब्रीडिंग के इनके एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो दो फीमेल कॉकटेल होते हैं वो भी एग दे देते हैं। वो तो दे देते हैं, वो एग फर्टाइल नहीं होते, वो फर्टाइल नहीं होंगे कभी कभी फर्टाइल नहीं होंगे। नहीं, वो कितने भी बैठ जाएँ फर्टाइल नहीं होंगे, क्योंकि फीमेल का पैर लगा लेती हैं। वो भी मसला इसलिए आता है क्योंकि अपन मेल साथ में नहीं रखते और ग्रुप के अंदर फीमेल ज़्यादा हो जाती हैं तो वो पैर लग जाता है। तो आपने कॉकटेल कब से पाल रहे हैं, कब से आपने मतलब बर्ड का आपका जो शौक है ये कब से स्टार्ट किया आपने? ये मेरे 2 साल पहले मैं फर्स्ट टाइम बजरी लेके आया था। बजरी से मेरे को थोड़ा थोड़ा शौक हुआ कि मैंने जब देखा कि यार कॉकटेल क्रीम कलर का, तो फिर मैं फर्स्ट क्रीम कॉकटेल लेके आया, फिर उसके बाद लव बर्ड लेके आया, और फिर उसके बाद शो बजरी ले आया। ऐसे मेरे को दिन पे दिन शौक बढ़ता गया। तो एक मैंने ये मतलब बात सुनी है बहुत से, मतलब मैंने लोगों से, कि आप अगर बर्ड का शौक रखें तो बजरी तोते से स्टार्ट करें, जो बजीज होते हैं, तो इसके बारे में? वो तो क्या है, अपने को जो अच्छा लगे वो करो। अच्छा लगे, हाँ, जैसे बजरी ले के आना चाहते हो, आपको अगर ज़्यादा इंटरेस्ट बजरी के अंदर है तो बजरी ला के आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको लगे कि आप लव बर्ड ले के आना है तो लव बर्ड भी ला सकते हो। वो तो ये है कि अपने शौक के ऊपर होता है, शौक के ऊपर होता है, ठीक है। तो आपके पास कॉकटेल और कहाँ है बताइए? एक पेयर तो इसके अंदर, इसके ये दो बच्चे हैं, इधर एक बच्चा उधर बैठा है, और एक ये मेल है, ये वाला ये मेल है ग्रे कलर का, और ये क्रीम की फीमेल है, और वो सामने बच्चा बैठा है, और एक बच्चा वो सामने देख रहा है बॉक्स पर, बॉक्स में से जो झांक रहा है वो इसका बच्चा है, और एक बच्चा अंदर वो ऑरेंज से वो छोटा है, मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ उसको। ये इसके दो बच्चे हैं इसके, और एक बच्चा बाहर आ चुका, 3 बच्चे टोटल इसके। एक एल्बिनो का मैंने कर दिया था, इसका अंडा एक, उसमें से एक बच्चा एल्बिनो का, 2 बच्चे इस क्रीम के हैं। आपने
इस जगह पे बजरी के साथ में कॉकटेल छोड़े हैं तो ये लड़ाई फाइट नहीं करते? नहीं फाइट नहीं करते हैं, ये दो पेयर छोड़ रखे हैं, ज़्यादा छोड़ेंगे तो ये कॉकटेल को मारेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास कॉकटेल के और कौन से पेयर हैं? ये ग्रे है, ग्रे का पेयर है, इसने फर्स्ट टाइम एग दिए थे जो कुछ परेशानी से वो एग फूट गए, और एक तो बिल्कुल फूट गया था और एक यानी कि तीन अंडे क्रेक हो गए थे इसके। ये जो बॉक्स लगा हुआ है इस बॉक्स के अंदर इन्होंने एग दिए थे। तो ये वाला पेयर इसकी एज क्या होगी? इसकी एज पूरे एक साल। एक साल, तो ये कंफर्म ब्रीडिंग पेयर है? कंफर्म ब्रीडिंग पेयर है ये, इसने अंडे भी दिए मेरे पास, एक फर्स्ट बार दिए थे जो तीन तो क्रेक हो गए थे, एक फूट गया था। इससे आप है ना को ब्रीडिंग लेते हुए कितना टाइम हो गया इस वाले पेयर से? ये फर्स्ट ब्रीड करी थी, अब सेकंड ब्रीड करेगा। सेकंड ब्रीडिंग अब करेगा? करेगा। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा आपका सेटअप है। और इधर भी मुझे दिख रहे हैं आपके कॉकटेल्स। ये तो कुछ पट्टे खरीदे अभी मैंने, तो आप इन जो आपके पास चिक्स वगैरह निकलते हैं बच्चे, तो उनका आप सेल भी करते हो? कुछ तो सेल कर देता हूँ और कुछ मैं अपने सेटअप के लिए रोक लेता हूँ। अभी पांच से चिक्स जो निकले हैं जिसके अंदर से तीन तो मैं मेरे पास रखूँगा और बाकी दो सेल कर दूँगा। ठीक है, तो जो चिक्स आपके निकलते हैं आप उनसे नेक्स्ट सीजन में ब्रीड लेते हैं? वो तो अगला सीजन जब आएगा तो उसके अंदर ये अपने रेडी हो जाएंगे, यानी कि पेयर लगा दूँगा मैं इनके, और पेयर लगाने के बाद ये एक देंगे जो। ये जो ये वाला है ये कौन सा? ये फॉर्म की माती है। फॉर्म की माती है, हाँ फीमेल है। हाँ, और ये क्रीम के दो पट्टे। हाँ, और ये पलका है। पट्टे जो होते हैं उनकी एज क्या होती है? पट्टों की तो ये है कि जैसे मटकी से बाहर निकल जाते हैं दो महीने के अंदर। दो महीने के, तो वो पट्टे ही होते हैं? वो पट्टे ही होते हैं, और फिर उसके बाद ये है कि वो जब तक पेयर नहीं बनाते हैं और जब तक अंडे नहीं देंगे तो वो पट्टे ही रहते हैं। मतलब जब तक उनको पेयर नहीं लगे वो पट्टे रहते हैं, फिर उसके बाद एडल्ट हो जाते हैं। इनकी एज कम से कम आठ महीने हो जाए। हाँ, तब तो ये एडल्ट कहलाते हैं। हाँ, ब्रीड ले खुद कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो इनके जो सीड मिक्स है और जो आप इनको अभी आपने दिखाया जो सॉफ्ट फूड आप इनको देते हैं तो उसके बारे में थोड़ा कुछ? सॉफ्ट फूड तो मैं इनको एक तो काला चना भिगो के और एक अपने मक्का, ये तीनों रेगुलर देता हूँ मैं। इससे क्या बड़ा शौकीन होता है, ये रेगुलर खाता है। ठीक है, और बाकी मैं उसके अलावा इसको कम नहीं देता हूँ। बाजरा है और सनफ्लावर तो बहुत कम करती है अभी गर्मी का टाइम। सनफ्लावर सीड जो होते हैं वो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, तो उसके लिए कुछ बताइए? ये है कि आजकल तो कई तो पंसारी की दुकान पे मिल जाते हैं। पंसारी जो अनाज वगैरह बेचते हैं? अनाज वालों की दुकान पे तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलता है। बाकी पंसारी की जहाँ पे सब चीज़ मिलती है ना, पंसारी की दुकान, उस पर जरूर मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे कुसुम दाना भी मिल जाता है। कुसुम दाना जो सफ़ेद कलर का दाना आता है उसको मिल जाता है, और बाकी सनफ्लावर मिलता है वो वहाँ से लेके आ जाता हूँ। और कभी जैसे अगर कोई मिलने वाला है तो उससे मंगवा लिया। हाँ हाँ, तो बाकी बढ़िया रहता है सनफ्लावर इनके लिए। और वो थोड़ा गर्मी के अंदर भी थोड़ा देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है एग बाइंडिंग की कमी दूर होती है, उसमें ऑयल होता है। ऑयल होता है, तो एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा था, जो कॉकटेल बर्ड्स हैं इनकी जो ब्रीडिंग सीज़न है वो कब से स्टार्ट हो जाता है इनका? देखो इनका सीज़न तो खैर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास से तो जब से मैंने कॉकटेल लगे हैं रेगुलर एग ले करते हैं और रेगुलर मेरे पास ब्रीड हो गई होगी। रेगुलर कभी मैंने साल के 12 महीने मटका हटाया ना, कोई मैंने बॉक्स हटाया। मेरे यहाँ पर कूलर चलता, गर्मी के अंदर सर्दी के अंदर बिल्कुल आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। मेरे रूम के अंदर रखे हुए हैं। आपका रूम जैसे पूरा रूम के अंदर सेटअप आपने लगा रखा ही है, उधर गेट है, इधर से वेंटिलेशन आ रहा है। हाँ, तो और एक गेट उधर सामने है जो हवा आराम से इनके पास ही जाती है, तो वेंटिलेशन का पूरा आपने रख रखा है इंतज़ाम? हाँ, और बाकी मैंने इनके लिए कूलर लगा रखा रूम के अंदर, उनके गेट खुले रखता हूँ, क्योंकि गेट के बाद अगर गेट बंद कर देते हैं तो उसमें उमस हो जाती है, तो परिंदे के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। और जो मैंने ये सुना है जो उमस होती है ह्यूमिडिटी, वो इनके एग ज़्यादा फर्टाइल होते हैं उसमें, तो उसका क्या लॉजिक है? वो तो ये है कि बारिश के टाइम में जो उमस हो जाती है, बारिश के टाइम में ये है कि उस टाइम पे ज़्यादा अंडे खराब भी हो जाते हैं। खराब भी हो जाते हैं जैसे ज़्यादा उमस हो जाती है ना,
तो उससे अंडे खराब हो जाते हैं। तो आप इनको रेगुलर बेस पे जो आप इनको दाना देते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके अंदर देते हैं, मैंने कम नहीं दे रखी है इनको, बाजरा है, सनफ्लावर है और अपने क्या कहते हैं एक अलसी है, ये चार चीज़ मिक्स करके दे रखी है मैंने इनको। अच्छा, और इनका जैसे आपने ब्रीडिंग बॉक्स लगा रखा है तो ब्रीडिंग बॉक्स सही होता है या फिर मट्टी जो होती है? वो मट्टी, कहने का मतलब ये है कि ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर बच्चे बड़े आराम से बैठे रहते हैं। हाँ, और मटका भी सही होता है, लेकिन मटका ये है कि उसके अंदर गैप कम होता है। आप बड़ा मटका लगाइए उसके लिए, अगर छोटा लगा दिया तो उसके अंदर मसला आ जाता है, बच्चे भी मर जाते हैं और बैठने की जगह उनको परेशानी रहती है, क्योंकि ये परिंदा बड़ा है। और मैं तो ज़्यादातर है ना कॉकटेल के बॉक्स में लेता हूँ। इस वाले बॉक्स में एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, आपको दिखा चुका हूँ। अच्छा, हाँ, इसमें दो बच्चे हैं और बाकी मेरे पास 6 बज रही हैं। चलिए ठीक है, तो ये था कासिम भाई का कॉकटेल का सेटअप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कासिम भाई के लवबर्ड्स का सेटअप दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस।